जो व्रत सिखाई देते हैं वहीं पर श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। उसी पेड़ के नीचे नदी के तट के ऊपर राम ने अपनी पर्ण कुटी बनाई हुई है। क्या यही वृक्ष है जिसकी रघुनाथ जी ने शोभा बढ़ाई है? मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। रक्षा हे नाथ, रक्षा हे नाथ, रक्षा। हे भैया वर्तमान कितने व्याकुल हैं वो ये, और आपने आपको जरा संभाल कर रखिए। हे भैया, मैं आपके बिना बिल्कुल रह नहीं सकता। ओ भैया, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है भैया, गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा रघुनाथ जी। हे भैया वर्तलाल, इतने व्याकुल न होइए, अपना दिल जरा थाम लो और जो समय है उसको सोच समझ कर कार्य करो। बहुत खुल को करो रहे क्योंकि इतना की गति कभी टाले से टल सकती है। जो होना है तो होकर रहेगा। होनी जो है वो बलवान होती है और वो उसको जो खेल खेलना है वो खेल कर ही रहती है। रघुनाथ जी, लेकिन मैं आपको बिना रह नहीं सकता। रघुनाथ जी, आपके विरह में भरत बहुत व्याकुल है और आपके वनवास में आने के बाद आपकी विदाई को सहन नहीं कर सकने के कारण महाराज दशरथ भी परलोक सिधर गए। विधाता, तूने ये क्या रथ डाला और वाकई में ही भाई पिताजी, हमें आपको आपने हमें अलग कर दिया है पिताजी। बेटा शांति धारण करो और लोकपत के अनुसार आगे का कार्य करो। कितना कितना सेंट के लिए गुरुजी, आपका उद्देश्य बड़ा ही कल्याणकारी है। Yeah!
ये रघुनाथ जी भरतलाल धर्म के सेतु और दया के सागर हैं। आप ऐसा क्यों न करें कि आपके दर्शन पाकर हम सभी सनात हो गए। आप एक बार कीजिए जिससे हम सब का कल्याण हो सके। हे रघुनाथ जी किस प्रकार में होते हैं नियमित जो बाल के खड़े हैं आइए ओपन वाले छड़ी दे रहे भाई अरे छड़ी वाले के बैठ के बना ले Yeah.
माता का न्याय हुआ, इसका पश्चाताप हमें गाए जाता है दिन प्रतिदिन, ये ताप और संताप हमें है। आप अयोध्या के राजा, अब चलो हम चार राज के शत्रुघ्न सहित हम दो भाई और मेरे बेटा राज के, जैसे भी हो लो तो इतनी है तेर भिखारी की, डाकू जी के मंदिर तक होती है रोज भिखारी की। देखिए रघुनाथ जी, हम सबकी भी यही प्रार्थना है कि आप वही काम कीजिए जिससे सभी सनाथ हो जाएं। हे रघुनाथ जी, आप सबको जानने वाले हैं, धर्म नीति और ज्ञान के सागर हैं। सबके अंतरम से हो जानहु बाबा। सभी के अच्छे और बुरे स्वभाव को जानते हैं, इसलिए आप अपनी नीति के अनुसार वही कीजिए जो उचित हो। बड़ा ही कार्य है, लेकिन पहले जो मुझे आज्ञा हो वही मुझे बताइएगा। उसके बाद साधु मत और लोक मत के अनुसार जो उचित हो वो कीजिए। प्रजा का पालन करो, क्योंकि महाराज का ये हुक्म है, हमारे पिता का ये हुक्म है कि तुम राज्य चलाओ और मैं वन के अंदर रहूं। अगर हम ऐसी नीति करते हैं तो सारे संसार के अंदर सूर्य कुल का जो पताका पूरे संसार के अंदर फहरा रही है उस पर कलंक लग जाएगा, और कलंक लगने के बाद में कभी भी वो कलंक धोया नहीं जा सकता। यही आज्ञा पिताजी की, यही आज्ञा पिताजी है, यही है धारणा की, इसी में हित तुम्हारा है, यही है साधना अपनी। वचन मेरा पिता आज्ञा पर अपना निभाओ तुम, करो अब देर मत भाई, अवध को लौट जाओ तुम। हे मेरे भैया, अब कुछ ध्यान करो। बेटा भर, रघुनाथ जी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगे, धर्म पर अटल रहना ही इनका परम लक्षण है, इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो।
लेकिन आप मुझे अपने चिरान करा दीजिए, जिसको मैं हो करके राम सिंहासन पर सजाऊंगा। राम के अनुराग में वंत सन्यासी बना, वास नगरी क्या करूंगा, किंतु मैं वनवासी बना। धन्य हो बेटा भारत, तुम धन्य हो, तुम दोनों साक्षात धर्म के अवतार हो, क्योंकि राज्य लिप्सा के सामने और धर्म के सामने किसी का कोई वश नहीं चलता है। अपनी नीति के अनुसार सभी कार्य तुम कर रहे हो। एक वे हैं जो लगा देते हैं ठोकर ताज पर, एक वे हैं जो मरे जाते हैं कटकट राज पर। ठीक है दादाजी, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अयोध्या का राज तो करूंगा, लेकिन अगर एक दिन भी अगर तुम लेट होगे तो आप अपने हकदार को नहीं पाओगे। नहीं भैया भरतलाल, ऐसा कदापि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा जरा ध्यान रखना, अब जो राज और जो पाठ और जो मर्यादा हमारे पूर्वजों ने कायम की है, शिव दधीचि और महाराज हरिश्चंद्र के बारे में आपको पता है, जिन्होंने अपने प्रण के लिए, अपनी सत्यता के लिए अपने पुत्र और स्त्री तक त्याग दिए थे, वही संकट आज हमारे ऊपर है, और उसको आप नीति के अनुसार सोच समझ करके राज्य को चलाना और जाकर के अवध के अंदर सब कामों को ठीक करना, माता पिता और गुरु जी की सेवा करना, बस यही तुम्हें मेरा संदेश है। जाओ और जाकर के